बेसिकली ये फिल्म जो है लकीरें लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों पे शूट हुई है, और इस फिल्म का विषय महिलाओं पर आधारित है, महिलाओं की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना पर आधारित है। एक ऐसे विषय पर है जो अभी तक शायद बात नहीं किया जाता रहा है, ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा रही चीज़ों को धीमे धीमे अलग अलग फिल्मों में आप देखते रहें, लेकिन हाँ मैरिटल रेप एक ऐसा कीवर्ड है जिसको इस फिल्म में छुआ है। और इस कहानी में जो किरदार हैं, आपके बगल में बैठे हैं एक किरदार एक महत्वपूर्ण किरदार, एक खास किरदार, आपको बहुत खास किरदार उस फिल्म में देखने को मिलेगा। उसका नाम बड़ा अच्छा सा है, सर ने बोला एक किरदार, वो एक किरदार इसलिए चूँकि वो एक खास किरदार, दुधारी सिंह। तो उस किरदार के अलावा हमारी तीन प्लॉट पे कहानियां हैं, तीन ऐसी स्टोरी है जो उत्तर प्रदेश के आसपास से हमने कुछ लीगल सहयोग के थ्रू, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट के थ्रू सर्च किया, देखा और पाया। तो उसकी उसका एक ताना बना है कि मैरिटल रेप एक्चुअली में है क्या, कौन सा ऐसा सिरा है जिसको पकड़े, कौन सा ऐसा पतला तार है जो किस तरफ जाता है। तो इस कहानी को आप देखेंगे, आज तो खैर उसका ट्रेलर लॉन्च था जिसको गवर्नर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, महामहिम आनंदीबेन पटेल जी ने। तो इस कहानी को आप आने वाली फिल्म में देखेंगे, और बाकी मुख्य भूमिका में आदरणीय आशुतोष राणा जी आपके बगल में हैं, हमारे बगल में हैं, और आप बात कर सकते हैं कि उसकी विषय वस्तु को बहुत ही गंभीरता से किस तरह से आपने किरदार में ढाल के उसको प्ले किया है, जिसको आप स्क्रीन पे देखेंगे और उसके भाव को समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आशुतोष राणा जी से भी बात करें। दुर्गेश जी ने आपको बता ही दिया कि ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर है, और फिल्म बेसिकली इशू बेस्ड है और अदालत में चलती है। तो एक कोर्ट रूम ड्रामा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सोशल कोर्ट रूम ड्रामा है, और मुझे लगता है कि ऐसा विषय है जो जिसकी एक चर्चा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो वैसी एक फिल्म है। और कुछ पूछना है? सर, इसकी ज्यादातर शूटिंग जो है कोर्ट रूम आपने बताई है, तो लखनऊ और उत्तर ये पूरी लखनऊ में ही पूरी तो शूट की है। पहले भी आप लखनऊ आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला है पहले के मुकाबले? लखनऊ अपने देश के खूबसूरत शहरों में से एक शहर है, इसीलिए अगर आप देखेंगे कि एक लंबे समय से लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो निरंतर शूटिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि लखनऊ में आपको इतिहास भी मिल जाएगा, लखनऊ में आपको आधुनिकता भी मिल जाएगी, लखनऊ में आपको स्वाद भी मिल जाएगा, लखनऊ में आपको जिसको कहा जाता है कि ओल्ड सिविलाइजेशन के वो भी जम्स आपको मिल जाएंगे, और न्यू आर्किटेक्चर जो है उसका भी एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो लखनऊ अपने आप में, और सबसे बड़ी बात, वेल कनेक्टेड है, और यही कारण है कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों की, या अब तो मुझे लगता है कि कई सारी दक्षिण भाषा की भी फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग होती रहती है। और ये फिल्म हमने 2017 में से शुरुआत, एक पहला दो एक दिन तीन दिन हमने चार दिन शूट किया था, और उसके बाद 2019 में शूट हुई, और फिर कोरोना का पीरियड आ गया, ढाई साल हम और आप सब अपने अपने घरों में मौजूद रहे। तो लखनऊ भारतवर्ष के खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। जहाँ तक इस फिल्म की शूटिंग का सवाल है, वो लखनऊ में आप देख रहे होंगे, इस फिल्म में आगे देखेंगे कुछ, अभी आपने कुछ शॉट्स देखे हैं, तो ये बाकायदा यहाँ पे लखनऊ में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको लगेगा कि डाइनिंग हॉल है लेकिन वो कोर्ट जैसा है, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि वो कुछ ऐसे पुराने राजाओं का वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोर्ट बनती थी। हमने यहाँ भी उसी जगह को चुना और ये कोशिश करी, वैसे तो हम चाहते तो सेट लगा करके कहीं भी शूट कर सकते थे, हम बॉम्बे में शूट कर सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम यहाँ पे काम करें। इवन आज अगर आप देख रहे होंगे तो हमने ट्रेलर जो लॉन्च किया वो भी लखनऊ में किया, और महामहिम उत्तर प्रदेश के हाथों से ट्रेलर लॉन्च कराया, आपको जो आप लोग हैं मुख्य किरदार इस फिल्म के उनको आमंत्रित किया। हमने कहा इसका ट्रेलर लॉन्च जनरली तो आप देखते हैं कि मुंबई में लोग करते हैं, वहाँ पर करना पसंद करते हैं, ये भी एक खास बात थी जिस पर ऐसा क्यों हुआ, मैं चाहूँगा सर भी इस पर बोलेंगे। तो ये इसलिए किया कि ताकि उत्तर प्रदेश जहाँ पर अयोध्या में शूटिंग किया हमने, अयोध्या आजकल चर्चा में है, लखनऊ अयोध्या के भी कुछ शॉट्स देखेंगे आप, अयोध्या खास है, हालांकि ऐसा सोच के मैंने नहीं किया था,
जैसा सर कह रहे हैं कि काफ़ी दिन पहले फिल्म शुरू हुई थी, लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि हाँ अब जो भी हम काम करेंगे ये तो हमारे लिए पहली हिंदी फीचर फिल्म थी, बट अब हम जो शुरू करेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश या उसके आसपास या जहाँ भी, मुझे नहीं पता है, बट कोशिश रहती है कि हाँ उत्तर प्रदेश में काम किया जाए। सर तमाम फिल्में इस प्रकार की बनी, लेकिन इसमें क्या खास रहा, कैसे मन में आया कि हमको समाज, ये जो समाज में तमाम प्रकार की शादियों को लेकर जो बातें हो रही हैं, कैसे मन में आया कि इसको इस फिल्म को लॉन्च करना चाहिए, इस करेक्टर को लॉन्च करना चाहिए, लोगों के बीच इस आवाज़ को लाना चाहिए? बोलिए। अच्छा देखिए, ऐसा है कि शादी की बात अगर आपने जहाँ तक करी है, तो शादी हमारे यहाँ एक, हमारा कहते हैं ना कि हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक देश भी कहा जाता है इसे, तो शादी एक परंपरा ही नहीं बल्कि कहते हैं यहाँ पर 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन उसके बीच में जो होने वाली चीज़ें होती हैं, एक दूसरे की कंसेंट, एक दूसरे की रजामंदी, हर चीज़ में रजामंदी या कितने बातों पर रजामंदी, कौन कौन ऐसी मूल्यवान बिंदु हैं जीवन के जहाँ पर रजामंदी एक दूसरे की आवश्यक है, कंसेंट आवश्यक है, इस विषय पर जो इस फिल्म की अगर हम बात करें तो शारीरिक कंसेंट की बात है कि अगर एक स्त्री है और वो फिजिकली फिट नहीं है तो हम उसकी कंसेंट का ध्यान रखें, उस पर फोकस किया गया है, या वो मानसिक रूप से उस अवस्था में नहीं है कि जहाँ पर वो अपनी ऐसे रूप में तैयार है कि भाई ठीक है, अगर मैन है और उसकी इच्छा है और वो स्त्री अगर ये कंसेंट देती है कि ठीक है साहब आज हम फिट नहीं है, तो उस तरह की कंसेंट का इसमें इशू उठाया गया है, और ये ध्यान रखा गया है कि ठीक है, जैसे अभी सुबह भी इस बात पे चर्चा चल रही थी, सर ने बहुत बारीकी से बताया, तो उसमें ये बात थी कि ठीक है कि हम एक दूसरे के पूरक तो हैं, लेकिन किन किन जगहों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, एक दूसरे की अस्मिता का, एक दूसरे के इच्छा का, वो बातें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। सर आपसे एक सवाल है, अन्य फिल्में आपने तमाम की, लेकिन इसमें क्या कुछ खास रहा लाइफ के लिए, समाज के लिए क्या जानकारी? देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसका जो विषय है वो मैरिटल रेप के ऊपर है, एक होता है अपराध और एक होता है पाप, तो अपराध के लिए तो हमारे यहाँ पे दंड की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पाप के लिए हमारे यहाँ पे दंड की व्यवस्थाएं नहीं हैं। अपराध के लिए तो हमने संविधान बनाए हुए हैं, और पाप के निर्माण के, पाप की नियति के लिए हम विधान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इस फिल्म के माध्यम से दुर्गेश ने कहानी के माध्यम से उस चीज़ को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है कि बहुत ऐसी पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं उनमें अगर मर्यादित तरीके से एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर जीवन व्यतीत किया जाए तो फिर जीवन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं आ सकती। तो इसमें स्त्री और पुरुष की जो जो निजता है उसको प्रकाशित करने वाले पक्ष इस फिल्म के अंतर्गत आए हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आवश्यक विषय है कि जिसके ऊपर चर्चा, अगर सिनेमा के माध्यम से हम सिर्फ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, बदलाव की कहीं कोई ऐसी कोई प्रक्रिया की हम ना घोषणा करते हैं ना दावा करते हैं, तो चर्चा है, चर्चा अगर होगी और उसमें लगेगा कि आपको इस चीज़ का उपचार की दिशा में भी बढ़ना चाहिए, परिष्कार की दिशा में भी बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सह अस्तित्व पे पूरी दुनिया चलती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंद्वी नहीं होते, तो अगर ये पूरक बन के चलते हुए हैं तो कहीं ना कहीं आधी दुनिया आपकी, आधी दुनिया आपकी, दांव लगाना सीख लो तो सारी दुनिया आपकी, तो ये वाली जो व्यवस्था है उस विषय बिंदु को स्पष्ट करने के लिए ये फिल्म बनाई गई। और मुझे लगा कि अभी तक मैंने मुल्क में भी वकील का किरदार किया है और इसमें भी वकील का किरदार किया है, लेकिन मुल्क के संतोष आनंद और लकीरें के दुदारी सिंह, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये एक अभिनेता के लिए अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है कि आपको रंग तो एक ही मिला लेकिन उस रंग में आपकी रंगत अलग अलग करने का अगर आपके अंदर आपको अवसर मिलता है तो अभिनेता का भी टेस्ट हो जाता है और अभिनेता के अंदर रोमांच भी आता है। गौरव, सवाल आपसे है कि आपको टीवी पे तो लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन एक सोशल इशू है जिस पर आपने काम किया है, और आशुतोष जी के साथ, क्योंकि वो जिस तरह के लेजेंडरी एक्टर हैं और जिस तरह से देखा जाता है कि वो हमेशा धार्मिक भी रहते हैं, तो उनके साथ काम करने के बाद किस तरह से आपको लगा कि हाँ इस तरह के टॉपिक पर काम करना चाहिए, और कितनी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिली?
बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने, एक ही सवाल में। देखिए, फिल्म की शूटिंग तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुई थी, आज हम उसको फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयां तो हमने डेफिनेटली फेस की, सब ने। एक सोशल मुद्दे पर फिल्म बन रही है, कमर्शियल मुद्दे नहीं है उसमें, कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, नाच गाना नहीं है, उस किस्म का कुछ भड़कीला सा रोमांस नहीं है, चीज़ें थोड़ी रियल हैं, संजीदा हैं। तो जो फिल्म बना रहा होता है उसके लिए ऑफकोर्स एक ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि उसके पास नॉर्मली कमर्शियली बिकने वाली चीज़ें कम हैं। तो फिर जब वो किसी कलाकार के पास जाता है और उसे अपनी कहानी बताता है और आपको वो कहानी अच्छी लगती है, तो आई थिंक मैं ये इस फिल्म में जितने भी मेन कलाकार हैं उनकी तरफ से ये बात कह सकता हूँ कि जो कहानी शुक्ला साहब ने लिखी थी और जो विज़न उसके बारे में दुर्गेश जी का था, उसके अंदर नॉन कमर्शियल होते हुए भी इतना दम था, इतनी सच्चाई थी या इतना मज़ा था, शायद वो टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं थे। और जैसे जैसे आपने सर का नाम लिया, तो ऐसा कोई डायलॉग नहीं है इनका जहाँ आप किसी पॉइंट पर आपके दिमाग में एक घंटी भी बजेगी और साथ साथ आपके चेहरे पर शायद एक मुस्कुराहट भी आएगी, क्योंकि थोड़ा सा व्यंग है, थोड़ा सा टंग इन चीक सार्कैज़्म है, कभी शब्दों का खेल है। इस तरह का एक इंट्रिंसिक एंटरटेनमेंट फिल्म में है, पर वो जो एक टिपिकल एंटरटेनमेंट हम एक कमर्शियल फिल्म से देखते हैं, उस तरीके की चीज़ें इस फिल्म में कम हैं। तो इसकी बनने में वो मुश्किलें, वो चैलेंजेस ज़रूर आई, और वो बीच में कभी कभार फिल्म थोड़ी डिले हुई, रुकी, डेट्स की वजह से, वेरियस चीज़ों की वजह से। पर आई थिंक जो फिल्म का मेन मुद्दा था जिसकी वजह से हम सब ने हाँ की, और जो फिल्म का विजन था वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका, उसका क्रेडिट एक्चुअली दुर्गेश जी को जाता है। इनकी पहली फिल्म है, पर उन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी। फिल्म का सेकंड हाफ एक बहुत ही मुश्किल मुद्दे को लेकर के एक डिबेट कोर्ट में दिखाती है आपको फिल्म। और अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं देख रहा था फिल्म, तो मेरे साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने इस फिल्म के बारे में, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो पहली बार देख रहे थे, उन्हें नहीं पता कि 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, पर वो एक टक देख रहे थे। सो फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक फिल्म टिपिकली आपको यू नो एंटरटेन कर रही है कि, अगर फिल्म आपको बांध के रखती है, कहानी और किरदार आपको बांध के रखते हैं। और इस किस्म की फिल्म की सबसे बड़ी विक्ट्री तब होगी अगर फिल्म के बाद चर्चा हो, फिल्म के बाद इसके बारे में डिबेट हो, आई थिंक हम सबके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो सर के साथ काम करके तो यू नो वैसे भी हर सेकंड आपके लिए काम करने की सेटिस्फैक्शन के साथ साथ फ्री में एक लर्निंग और इंस्पिरेशन मिलती है आपको, तो यू नो एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आप कुछ अपने किरदार की मुश्किलों का चैलेंज भी निभा रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं, और साथ साथ ऐसे किसी दिग्गज एक्टर की एक्सपीरियंस का मज़ा भी आपको मिलता है और आपको सीख मिलती है। सो फॉर न्यूअर एक्टर्स एंड यंगर एक्टर्स लाइक मी, थैंक यू सर। ये यार तुमने मुझे बुजुर्ग साबित करवा दिया, सही है, न्यूअर एक्टर एंड यंगर एक्टर। अच्छा नहीं नहीं, ये उम्र के तकाजे नहीं है, ये काबिलियत के तकाजे। नहीं नहीं, ये इनकी सुन ली है आपने, और हम अभिभूत हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये इसमें ये बहुत कलरफुल मतलब प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी फिल्म जो होती है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती है। ये जैसे टेबल टेनिस जब आप खेलते हैं और अगर सामने वाले रिफ्लेक्सेस अच्छे ना हो तो फिर खेल का मज़ा निकल जाता है। तो ये ऐसे ही अभिनेताओं के बीच में होता है कि कोई भी किरदार, अगर एक्टर उतना ही सजग और उतना ही शानदार ना हो, तो पर आप देखेंगे कि सीन का मज़ा निकल जाता है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि गौरव टिया वाजपेयी, राजेश जैस, या हमारे जो आपके लखनऊ के ही सहर्ष कुमार शुक्ला जी हैं, जिन्होंने हमारे लॉयर के रूप में गुरु का रोल किया है रस्तोगी जी ने, तो अगर देखें तो ये बहुत तमीज़दार अभिनेता हैं और सब ने अपने हिस्से में आए गए काम को बहुत कुशलता के साथ और पूरी योग्यता के साथ निभाया है। तो ये जब ऐसा हो जाता है तो फिर फिल्म के किरदारों से आपको मोहब्बत हो जाती है, कहानी से मोहब्बत हो जाती है।
देखिए, इस फिल्म की खास बात ये भी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आपको लखनऊ के दिखाई पड़ेंगे, कुछ लोगों को आप पहचानते भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अच्छी छोटी छोटी अच्छे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में हैं, लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ ऐसी जो फीमेल आपको नहीं दिख रहे होंगे इस समय हमारे साथ में, जो महिला किरदार हैं वो इस समय विदेश में है नहीं, यहाँ पर इंडिया में होती, शायद आपके सामने उसकी एक्टिविटी में होती। तो एक ऐसा विषय है जिसमें आपको मतलब कुछ देखने को मिलेगा, कुछ खास ऐसा। और जो अभी गौरव जी ने कहा कि हाँ इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ इस एक समय था, बट वो आपको समय फिल्म में शायद ना दिखे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत भैया, सब ध्यान रखिए।